हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ जो बातें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है, किस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, बाकी की जो सिर्फ टाउन के वीडियोज़ नहीं डाले वो कब आएंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, वो आपके जितने भी डाउट्स हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन आपने सबसे ज़्यादा पुटअप किया है कि ऑब्जेक्शन कोई एक बंदा लगाता है तो बाई चांस उसका आंसर अगर HSSC रिवाइज करती है की रिवाइज करती है तो उसका जो प्रॉफिट है, उसका फ़ायदा है क्या सबको मिलेगा या उसी बंदे को मिलेगा जिसने ऑब्जेक्शन लगाई है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ जो अगर रिवाइज होती है, क्वेश्चन रिवाइज होता है, उसके मार्क्स सबको मिलेंगे। ग्रेस मार्क अगर मिलता है तो वो सबको मिलेंगे। हर जिसने भी बंदे ने वो क्वेश्चन किया है, अटेम्प्ट किया है, उसको ज़रूर मिलेगा। ना किया हो तो भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसने नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, सभी ने जो आपके 90 के 90 जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट किए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को ग्रेस मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो। कई तो जो क्वेश्चन हैं उन्हीं में एरर है, उनके अगर ऑब्जेक्शंस लगते हैं तो श्योरली उनकी की रिवाइज होगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई एक बंदा ऑब्जेक्शन लगाता है तो क्या सबको ग्रेस मार्क मिलेगा। तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई एक बंदा लगाता है तो सब जो भी उस शिफ्ट में कैंडिडेट थे जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, उन सबको वो ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद सर, रिवाइज होगी या नहीं, की रिवाइज होती है या नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी कोर्ट केसेस हो चुके हैं जो PGTs वगैरह, इसीलिए HSSC को कोर्ट का नोटिस है, उनको रिवाइज करनी पड़ती है। कि आप HSSC के पब्लिक नोटिस में जाके देख सकते हैं, जो 17, 18, 19, 20 से आगे के जितने भी पेजेस हैं उन पर आपको बल्क में रिवाइज कीज मिलेंगी। जितने भी पहले एग्जाम हो चुके लगभग जो हैं उनकी रिवाइज की वहाँ पर एक साथ डाली गई थी बाद में, वो इसीलिए डाली गई थी क्योंकि कोर्ट केसेस हुए थे कई, इसी को देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप रिवाइज की डालिए। उसके बाद से जो है कीज डालनी शुरू की गई थी रिवाइज। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि रिवाइज होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, ये भी पॉजिटिव चीज़ आपके लिए। इसके बाद सर, रिप्लाई आएगा या नहीं, मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूँ, मेल करता हूँ, उसका रिप्लाई आएगा क्या? तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, आप USA में नहीं रह रहे हैं फिलहाल, अभी बहुत एडवांस हमें होना है, उस टाइम काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक हमें पहुँचने में। आपको पता ही है HSSC क्या क्या कारनामे कर देती है। आप एक हमारे व्यूअर ने हमें बताया भी था, जो आंसर कीज डाल रखी है उसमें आप देख सकते हैं, इनको ये नहीं पता एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। 4/2018 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना था उसकी जगह इन्होंने एक जो है आंसर की उसमें लिख रखा है 4/2017। और अभी तक जो है की रिवीजन के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए नोटिस भी इन्होंने नहीं डाला है। ये भी बात इनको पता नहीं है कि ये काम भी हमें करना होता है। कई जो कीज थी एक साथ डाली थी तो ये बात शायद ये भूल गए हों कि ये नोटिस भी हमें डालना होता है, वो भी अभी तक नहीं आया है। इससे पहले के कारण मैं आपको बता दूँ, कल भी आपको वीडियो में बताया था, एक बार की डालनी थी तबला प्लेयर की, और जो सुबह पेपर हुआ था 23 को, और एक पेपर उसी दिन हुआ था 23 सितंबर को ही जूनियर लेक्चर असिस्टेंट का। कीज मतलब कि वाइस वर्षा उल्टी कर दी, मतलब कि जो तबला प्लेयर में की डालनी थी उसमें डाल दी जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की, और जो लेक्चर असिस्टेंट में की डालनी थी उसमें डाल दिया जो लिंक डाल दिया तबला प्लेयर का। तो HSSC ऐसे काम करती रहती है, आप इतना वो ना सोचें कि अभी तक जो है नोटिस नहीं आया है तो ऑब्जेक्शन लगाएं या नहीं। अगर बाद में नोटिस आता है तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, ईमेल का आपको कोई 5,000 का खर्चा नहीं आता। अगर कोई आप ईमेल करते हैं तो आपको लगता हो कि आपको कोई 50,000 रुपये का खर्चा होगा आपको एक ईमेल करेंगे, तो ईमेल बिल्कुल फ्री है, आप ईमेल कर दीजिए। अगर बाद में नोटिस आता है तो दोबारा आप वो लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। तो ये बात भी आपकी क्लियर होगी होगी कि सर नोटिस नहीं आया, अभी लगाएं या नहीं। इसके बाद रिप्लाई वाली बात मैंने आपको बता दी कि रिप्लाई आएगा या नहीं, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है HSC कि आपका हर एक ईमेल का रिप्लाई करे। अब आप देख लीजिए, लाखों कैंडिडेट्स हैं, लाखों ईमेल्स उनके पास आएंगी, हर एक ईमेल का वो रिप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद
जो बाकी के जो बचे हुए हैं जो हमने रिव्यू नहीं किए हैं जिन शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर उनको भी रिव्यू करेंगे। अब आप एक बात बताइए, मैं अकेला ही एक इंसान हूँ, अगर आप क्वेश्चंस भेजते हैं हर शिफ्ट में 8-8, 10-10 क्वेश्चन हैं, उनको चेक भी करना पड़ता है, उनका प्रूफ भी ढूंढना पड़ता है, उनको अच्छी तरह देखना भी पड़ता है। जल्दबाजी में बाकी जो यूट्यूबर्स आपके साथ करते हैं वो काम मैं आपको नहीं करना चाहता। आपको कुछ जेन्युइन चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, और आपको पता है कोई अच्छी चीज़ बनाने में उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आप भी थोड़ा जो है संयम रखें। आपको ज़रूर ही वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अभी टाइम है, 3-4 दिन का टाइम होता है रिवाइज जो है कि के लिए ऑब्जेक्शन लगाने का, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको ज़रूर बताए जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दीजिए। कई जो कैंडिडेट्स हैं वो हमें क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, सर ये सेट है और इसमें सर ये क्वेश्चन नंबर है। अब मेरे पास हर सेट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थोड़ी है, आप अपने क्वेश्चंस के जो स्क्रीनशॉट लेके वो हमारे पास भेज दो, जिससे कि मैं देख सकूँ। शिफ्ट ज़रूर लिखें कब हुआ था, मॉर्निंग में था या इवनिंग में था, ये बात ज़रूर मेंशन करें। इसके बाद दोस्तों जो कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो वीडियो मैंने डाले हैं, जैसे 18 के वीडियो डाले हैं, 17 इवनिंग का वीडियो डाला, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चंस आए नहीं, क्योंकि मैं तो हर एक क्वेश्चन को चेक नहीं कर सकता कि इसका आंसर की में क्या दिया है। जब आप भेजते हैं तो उसको मैं देखता हूं कि ये क्वेश्चन गलत दिया है या सही दिया है, तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस बचते हैं। जैसे एक इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है कि जो पूंजियों में शामिल नहीं है, उसमें जो डी ऑप्शन दिया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, 9th क्लास से आया है, वो शायद मॉर्निंग में था। इसी टाइप से 18 में ही एक मैथ का क्वेश्चन है, उसमें जो है स्टेटमेंट में मिस्टेक है हिंदी और इंग्लिश में, तो इस टाइप से बाकी कुछ क्वेश्चन बचते हुए हैं वो भी आपको बता देंगे जो आज वीडियो डाले थे उनके भी। इसके बाद ऑब्जेक्शन आप लगाएं या नहीं ये बात भी मैंने आपको बता दी है, तो आप लगा दीजिए। अगर बाद में नोटिस आता है HSSC का तो आप दोबारा बाद में फिर से मेल कर सकते हैं, आपको कोई खर्चा नहीं लगता है। इसके बाद एक और बात, ये नंबर मैंने आपको दे दिया तो आप इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, प्लीज़ आप, मैंने आपको बोला है प्लीज़ आप इस पर कॉल ना करें। अब आप एक बात बताइए, मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊं, आपके जो कमेंट्स आते हैं एक एक वीडियो पे आप देख रहे होंगे, जो पिछले 3 वीडियो हैं कम से कम भी हर वीडियो पे 300-400 कमेंट्स हैं। अब 300-400 कमेंट्स का अगर मैं रिप्लाई करने लगूंगा तो आपके लिए बाकी के लिए वीडियो कब लेकर आऊँगा। मुझे पता है आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है मुझसे, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वो है हमारे ऊपर, इसलिए आप सोचते हैं कि हमारा भी वीडियो जल्दी से जल्द जो हमारे काम का वो भी आप जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कैसे लगाना है ऑब्जेक्शन, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आपके लिए डाल रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको जो HSSC की जो ऑब्जेक्शन की ईमेल है वो भी आपको बता दी है, क्या वो ईमेल है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कल ये वीडियो मैंने डाला था, आप देख रहे हैं 1 day ago, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगानी है। और एक बात रही, वो बात कर रहा था मैं कमेंट्स वाली और व्हाट्सएप कॉल्स वाली, आप इतने ज़्यादा आपके मैसेजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का रिप्लाई कर पाऊँ। अब आप सोच सकते हो 80 से ज़्यादा अभी भी चैट्स हैं, 80 से ऊपर की जो चैट्स हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं, उनको मैं देख नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों हर चीज़ में टाइम लगता है, आप पता है मुझे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल आराम से ही कोई काम कर सकते हैं। कितना काम कोई एक आदमी अकेला बंदा कर सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। इतने कमेंट्स का रिप्लाई, इतने व्हाट्सएप मैसेज, इतनी कॉल्स के लिए मैंने आपको बोला भी है कॉल्स प्लीज़ कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उसके बाद मैं देखूंगा, उसको टाइम मिलेगा। तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी बात आप पूछना चाहते हैं, लिख के मेरे पास भेज दें, अपना नाम, एड्रेस, क्या आपको प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं जितनी भी शिफ्ट हैं जो है 10, 11, 17, 18, इनके जो 8 शिफ्ट हैं, इनके जो क्वेश्चन जो आपको लगते हैं इनमें जो आंसर कीज में कुछ एरर है, वो आप शिफ्ट वाइज मतलब अपनी जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट लेके वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया उस पर सेंड कर दीजिए। उनको ज़रूर रिव्यू किया जाएगा, ज़रूर देखा जाएगा, अगर कोई एरर लगता है तो आपको प्रूफ भी बताया जाएगा जहाँ से आप वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके जो रिस्पॉन्स मिलेगा बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है हमारा। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और जो ये जो वीडियोज़ अभी जो चल रहे हैं इनका फ़ायदा आपको मिलेगा मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मिलेगा आपको जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगेंगी उतने ही आंसर्स रिवाइज्ड होंगे, कम ऑब्जेक्शंस लगेंगी एग्जामिनर सोचेगा
ये बकवास कर रहे हैं उनको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं देगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन के ऊपर आप देखते हो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस अगर लगेंगी तो एग्जामिनर सोचने पर मजबूर होगा, उसका आंसर ज़रूर चेंज करेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है इसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो बातें मैंने आपको बताई उनको ध्यान रखें, कॉल कम से कम करें, बिल्कुल एमरजेंसी कोई पोजिशन हो आपके साथ तो ही आप कॉल करें प्लीज़, और जो बाकी के हैं वो भी आपको कल तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं एरर है जिनमें वो आप हमारे जो नंबर मैंने आपको बताया है उस पर सेंड कर दीजिए। नोटिस नहीं आया है सारी बातें मैंने आपको बता दी क्या करना है, दोबारा भी कर सकते हैं अगर नहीं आया तो बाद में आता है तो, ऑब्जेक्शन कैसे लगानी है सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और अपने साथियों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।